दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, प्रभास और कृति सैनन मोस्ट अवेटेड फिल्म आदि पुरुष की चर्चा हर जगह है। वहीं 16 जून को रिलीज हो रही 500 करोड़ के बजट में बनी आदि पुरुष बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर पाती है या नहीं, इस बात का फैंस अंदाजा लगा रहे हैं। लेकिन दोस्तों आदि पुरुष के फैंस के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है कि फिल्म पहले ही 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। वहीं दोस्तों ऐसा माना जा रहा है कि रिलीज के कुछ ही दिनों में फिल्म 500 करोड़ का बजट कलेक्ट कर लेगी। दोस्तों ओम राउत की आदि पुरुष को लेकर एक नई मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि फिल्म ने नॉन थिएट्रिकल रेवेन्यू के माध्यम से पहले ही अपने बजट का बड़ा हिस्सा कलेक्ट कर लिया है। दरअसल बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स के मुताबिक आदि पुरुष ने अपने बजट का लगभग 85% वसूल कर लिया है, जबकि कथित तौर पर 500 करोड़ रुपए के बजट में से 332 करोड़ रुपए की वसूली कर ली है। दोस्तों रिपोर्ट्स के अनुसार ओम राउत द्वारा निर्देशित फिल्म आदि पुरुष ने सैटेलाइट राइट्स, म्यूजिक राइट्स, डिजिटल राइट्स और अन्य सहायक अधिकारों सहित नॉन थिएट्रिकल रेवेन्यू से 247 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जबकि साउथ में मिनिमम गारंटी के तौर पर थिएट्रिकल रेवेन्यू के साथ 185 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। वहीं दोस्तों कुल कलेक्शन की बात करें तो टी सीरीज की अपकमिंग बिग फिल्म ने रिलीज से पहले ही 432 करोड़ रुपए की कमाई करते हुए अपने 500 करोड़ रुपए के बजट का 86.4% वसूल लिया है। दोस्तों गौरतलब है कि प्रभास और कृति सैनन के अलावा आदि पुरुष में सैफ अली खान, सनी सिंह और देवदत्त नाग प्रमुख भूमिकाओं में हैं, जबकि ओम राउत ने फिल्म का निर्देशन किया है। तो दोस्तों इस वक्त की एक बड़ी खबर है, फिल्म आदि पुरुष ने अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा कमा लिया है। दोस्तों आगे की खबरों को, पल पल की खबरों को सबसे पहले जानने के लिए इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए।